आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से उच्च मुकाम पाया है। नसरुल्लागंज की दीक्षा मीणा और अनीता लखेरा समाज की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। दरअसल समाज में महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता से कुछ करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अगर परिवार वाले और समाज के लोग महिलाओं का साथ दें तो महिलाएं भी इतिहास बन सकती हैं। महिला दिवस के अवसर पर हम आपको नसरुल्लागंज की दीक्षा मीणा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से MBBS कर डॉक्टर बनी और आज गरीब लोगों की सेवा भी कर रही है। मैंने अपने थर्ड क्लास तक की एजुकेशन जो है बागी से करी है, फिर फोर्थ से ट्वेल्थ तक की एजुकेशन जो है मैंने होशंगाबाद से करी है। आपका जो MBBS कराया आपने वो कहाँ से करा है? मैंने MBBS इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है। अभी कहाँ पर पदस्थ हूँ? मैं तहसील नरसिंहगंज में पढ़ी हूँ। जिस प्रकार आपने एक डॉक्टरी को अपना पेशा चुना है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? मैं शुरू से ही जो है जनसेवा करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने डॉक्टरी फील्ड को चुना। जैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं तो इसमें आपका परिवार का क्या सहयोग रहा है? मेरे परिवार का सभी का सहयोग रहा है, सभी के माता पिता का तो सभी रहता है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो फैमिली के अदर मेम्बर्स हैं, मेरे चाचा जी हैं, दादी हैं, उन सब लोगों का मुझे सपोर्ट रहा है। जैसे बचपन से आपकी क्या हॉबी रही है? बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती। मतलब आपका बचपन का ख्वाब था कि हम आगे चल के जो है डॉक्टर बन। जैसे आपके जो फैमिली में है लोग, उनने जैसे आपके भाई है, छोटा भाई है, बहन है, तो उनने किस प्रकार आपको इसमें सहयोग करा है, मोटिवेट करा है? एक बार एग्जाम दिया था जब मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मैं जो है अभी थोड़ी चेंज मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने दोनों मेरे मुझे सिस्टर और बहन मेरी ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं कर सकती हूँ, मैंने फिर से एग्जाम दिया। वहीं नसरुल्लागंज की अनीता राजेश लखेरा भी समाज की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। अनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर सतवास से की, फिर शादी के बाद उनके पति राजेश लखेरा द्वारा पढ़ाई पूरी कराई गई। घर व परिवार के जवाबदारी निभाते हुए अनीता ने राजनीति में कदम रखा और लगातार BJP के बीच सक्रिय रही, जिसके चलते उन्हें जल्द ही सफलता अर्जित करते हुए नगर परिषद की अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद नसरुल्लागंज के विकास कार्यों में खूब आयाम उन्होंने स्थापित भी किए। अनीता वर्तमान BJP महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर हैं। लगन तो नहीं, पर क्या बचपन से मन में ये किया था, जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हुई हूँ तो वहाँ के जो संस्कार और शिक्षा मिलती थी, तो उससे ऐसा लगता था कि भाई अपने को कुछ देश के लिए करना है। ये लगन हमेशा मन में रहती थी कि कुछ करना है, करना है, या कुछ अपन कर सकते हैं क्या। तो इसमें क्या आपके जो घर वाले हैं उनका सपोर्ट रहा? वहाँ पे तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी 17 साल में, पर यह है कि जब माँ सरस्वती शिशु मंदिर में जब भी भाई जी आते थे तो मैं अपने सपोर्ट से अपने भाइयों को कह के उनको ज़रूर घर पे बुला के और भोजन करवाना, वो मेरा काम बिल्कुल पक्का रहता था। शादी के बाद जिस प्रकार यहाँ पर आई, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई जारी रखी या बंद कर दी? और मैंने उसके 2 साल बाद से यहाँ आकर ग्रेजुएशन किया, जैसे 12th पास आउट हुई फिर मेरी शादी हो गई थी, फिर 2 साल बाद मैंने यहाँ आकर ग्रेजुएशन किया। शादी के बाद जैसे जिस प्रकार आप राजनीति में आई हैं, तो किस क्या अनुभव रहा आपका? राजनीति का अनुभव तो क्या, पहले मेरे जो हस्बैंड हैं राजेश जी लखेरा, पहले युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष थे, तो इतना इंटरेस्ट नहीं था जब मेरी शादी हुई, जब फिर उसके बाद पार्षद भी रहे, वो पार्षद रहे फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, बच्चे छोटे थे, पर मैं सोचती थी कि ये राजनीति में जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी। फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, आदरणीय भाभी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, हाई स्कूल में कार्यक्रम भी रहा, फिर मैंने इनसे कहा तो इन्होंने बोला तुम महिलाओं के साथ आ जाना, फिर मैं वहाँ गई भी और मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब से मेरे मन में था कि परमात्मा मैं भी राजनीति में आऊं, पर कुछ ऐसा लगा नहीं। फिर 2014 में जब आरक्षण था, महिलाओं का था,
तो फिर इन्होंने घर पे बात रखी और घर पे भी पूरी तरह से परमिशन मिली कि हाँ ठीक है, और मेरी मन की भी इच्छा पूरी हुई कि अब मुझे भी इनके साथ जाने का और कुछ समाज सेवा करने का, गरीबों की सेवा करने का, और वास्तविकता में राजनीति में पूरी तरह से घुल मिल कर कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार से अपन अपने प्रदेश को और देश में किस प्रकार से अपन क्या अच्छा चल रहा है उसको सोच विचार करके क्या कर सकते, वो सब करने का मुझे अवसर मिला। ससुराल में जिस प्रकार से पति का या सास ससुर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा? देखिए, पति का सपोर्ट था तो मैं आगे आ पाई, और सास ससुर जी का सपोर्ट था तो मैं घर से निकल पाई। ये दोनों मतलब पूरे परिवार का ही मेरे लिए बहुत बड़ा। कुल मिलाकर नसरुल्लागंज की दोनों ही महिलाओं ने नगर की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, नसरुल्लागंज।